हेलो दोस्तों, अगर आप डिफेंस के लिए वेट कर रहे हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड असम ने एक नोटिफिकेशन दिया हुआ है, तो जिसमें वेरियस पोस्ट में, वैकेंट पोस्ट में कुछ एम्प्लॉयज़ लेना चाहते हैं। तो जो भी पोस्ट है वो है असिस्टेंट डेप्यूटी कंट्रोलर, सिविल डिफेंस इंजीनियर एंड सिविल डिफेंस डेमोस्ट्रेटर, और वायरलेस ऑपरेटर और PBX ऑपरेटर इन ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ सिविल डिफेंस ऑफ दोरोंग गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग एंड कुकराजा डिस्ट्रिक्ट इन द पे स्केल दिया हुआ है 14,400 14,000 to 49,000 विथ ग्रेड पे एज मेंशन्ड अगेंस्ट इट, जो भी मेंशन हुआ है। तो इसका एप्लीकेशन आप सिर्फ ऑनलाइन कर सकेंगे और वो शुरू होगा 20 मार्च 2020 से। लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन विल बी 8 अप्रैल 2020। तो वैकेंसी वाइज जो भी लिस्ट है, असिस्टेंट डेप्यूटी कंट्रोलर इन सिविल डिफेंस जूनियर, तो जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 6, जिसमें अनरिजर्व है मेल 3 फीमेल 1, OBC MOBC मेल 1 फीमेल 0, SC मेल 1 फीमेल 1 फीमेल 0, टोटल मेल है 5 और फीमेल 1, टोटल है 6। तो उसका जो पे स्केल है वो होगा 8,700। दो नो पोस्ट इज रिजर्व फॉर ST प्लेन्स एंड ST हिल्स, हाउएवर ST प्लेन्स एंड हिल्स कैंडिडेट्स में ऑल्सो अपियर एंड विल बी कंसिडर्ड फॉर अनरिजर्व पोस्ट ऑन मेरिट बेसिस। तो ST प्लेन्स और हिल्स के लिए कोई अलग से रिजर्वेशन नहीं है, तो जो भी ST प्लेन्स और हिल्स में बिलोंग करते हैं उनके लिए जो जनरल है, अनरिजर्व है, उसमें कंसिडर किया जाएगा। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मिनिमम बैचलर डिग्री इन आर्ट्स साइंस और कॉमर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज विद द गवर्नमेंट। अदर क्वालिफिकेशन है पास सर्टिफिकेट ऑफ इंस्ट्रक्टर कोर्स फ्रॉम नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज नागपुर, NDRF एकेडमी। तो NDRF से आपको पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा, पास सर्टिफिकेट ऑफ एलिमेंटरी फायर सर्विस ट्रेनिंग और एनी अदर एडवांस सिविल डिफेंस कोर्स फ्रॉम नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज नागपुर। फिजिकल फिटनेस आपकी होनी चाहिए, मस्ट हैव साउंड हेल्थ बोथ मेंटली एंड फिजिकली एंड फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक डिफेक्ट और बॉडीली इन्फर्मिटी लाइकली टू इंटरफेयर विद द एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। तो आपके लिए फिजिकली आप फिट होना चाहिए एक ड्यूटी करने के लिए। नेक्स्ट, मस्ट अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन बिफोर अपॉइंटमेंट। तो आपको रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद अपॉइंटमेंट से पहले आपको एक मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। वेट प्रोपोर्शनेट टू हाइट एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड, तो वेट भी आपकी हाइट की प्रोपोर्शन में ही होना चाहिए। नेक्स्ट, सिविल डिफेंस डेमोन्स्ट्रेटर और वायरलेस ऑपरेटर और PBX ऑपरेटर, जिसमें ग्रेड पे होगा 5,600। तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 28 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व मेल है 10, फीमेल है 5। OBC और या MOBC में मेल है 6, फीमेल 2। SC में मेल है 1, फीमेल 0। ST प्लेन्स मेल 2, फीमेल 1। ST हिल्स मेल 1, फीमेल 0। टोटल मेल 20, फीमेल 8, दैट मीन्स 28। दो नो पोस्ट इज रिजर्व फॉर SC एंड ST हिल्स, सो फीमेल कैंडिडेट्स, हाउएवर SC एंड ST फीमेल कैंडिडेट्स में ऑल्सो अपियर विल बी कंसिडर्ड अनरिजर्व। देयर विल बी 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 10% रिजर्वेशन होगा। तो इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन है HSLC पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड बाई द गवर्नमेंट। अदर क्वालिफिकेशन आपको चाहिए पास सर्टिफिकेट ऑफ इंस्ट्रक्टर कोर्स फ्रॉम नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज,
पास सर्टिफिकेट ऑफ एलिमेंट्री फायर सर्विस, ये पहले की है। फिजिकल फिटनेस, आप फिजिकली साउंड होना चाहिए। आपकी जो हाइट, जो वेट होगा वो हाइट की प्रोपोर्शनेट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मेडिकल स्टैंडर्ड। नेक्स्ट, अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बोथ असिस्टेंट डेप्यूटी कंट्रोलर सिविल डिफेंस एंड सिविल डिफेंस डेमोस्ट्रेटर वायरलेस ऑपरेटर पीबीएक्स ऑपरेटर, तो आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए। आपकी एज 18 से 38 के अंदर होना चाहिए। 5 ईयर्स रिलैक्सेशन है फॉर SC ST प्लेन्स एंड ST हिल्स। 3 ईयर्स रिलैक्सेशन है फॉर OBC और MOBC के लिए। दोस्तों अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो भी अप्लाई का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस एडवर्टाइजमेंट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके आप खुद से पढ़ सकते हो। थैंक यू।